अभी आपने ये वीडियो देखा होगा, हो सकता है कि ये वीडियो देखकर आपको भी गुस्सा आया होगा। कैसे दो शख्स बाइक पर सवार थे, इसके साथ ही पीछे बैठा शख्स हाथ में स्प्रे लिया हुआ था। आगे की ओर बाइक निकलती है, इसके साथ ही पीछे से निकल रहे साइकिल पर सवार एक बुजुर्ग पर ये लोग स्प्रे मारने लगते हैं। स्प्रे का छिड़काव इस कदर करते हैं ताकि अगला बंदा आगे निकल ना पाए, वो वहीं रुक जाए। ऐसे में साइकिल सवार के साथ अगर कुछ हो जाता तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? दरअसल डीके यदुवंशी नाम से एक एक्स हैंडल पर एक के बाद एक दो वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें बाइक पर दो युवक जाते हुए नजर आ रहे थे तो अचानक पीछे बैठा युवक हाथ में स्प्रे निकाला था। इसके बाद बगल से साइकिल पर जा रहे बुजुर्ग के चेहरे पर स्प्रे मार देता था, जिससे बुजुर्ग का पूरा चेहरा झाग से ढक जाता था और वो बुजुर्ग हक्का बक्का रह गया। सड़क पर ट्रैफिक के बीच की गई इस हरकत से बुजुर्ग किसी गाड़ी से टकरा कर जख्मी भी हो सकता था, लेकिन अपनी इस हरकत से साइकिल सवार बुजुर्ग को हुई दिक्कत से बेफिक्र युवक बेशर्मी से हंसते हुए आगे निकल गए थे। इन लड़कों का ये हरकत नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाइट चित्रा रोड पर फ्लाईओवर के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा था कि रील के चक्कर में ये लड़के ऐसी हरकतें किया करते थे। वायरल हो रहे वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया। जनपद झांसी के थाना क्षेत्र नवाबाद का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो स्वयं मोटरसाइकिल से चल रहा है, दूसरे व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो साइकिल से चल रहे हैं, उनके चेहरे पर स्नो स्प्रे डाल रहा है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इसको चिन्हित करके इसको गिरफ्तार किया गया है, जो विनय यादव ग्राम खोड़न थाना सीपरी बाजार का रहने वाला है। इसके विरुद्ध इस घटना के संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे रील वालों से, सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो इसमें हरकत इसके द्वारा दिखाई जा रही है ये बिल्कुल ही निंदनीय है और ये वैधानिक भी नहीं है। इस ढंग से सड़क पर चलते हुए न्यूसेंस करना और इस व्यक्ति पर, बुजुर्ग व्यक्ति पर उसके चेहरे पर स्नो डालना, स्नो स्प्रे डालना, यदि थोड़ी सी भी एक बड़ी भी घटना हो सकती थी कि बुजुर्ग व्यक्ति का साइकिल अगर डिसबैलेंस होकर के गिर जाता तो उसके साथ और भी कोई घटना हो सकती थी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम का।